मैं इस वक्त राजीव नगर में मौजूद हूं, और अगर आपको बता चले तस्वीरों के माध्यम से, यहां पर हैवी पुलिस बल और साथ ही साथ सेना के पुलिस BSF के अधिकारी यहां पर मौजूद कर दिए गए हैं, और इस समय राजीव नगर बस्ती में मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से अगर हम आपको बताते चले, लगातार जो है रोहिंग्यास को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह के थ्रेट बनता जा रहा है, वहीं पर सरकार की तरफ से जो है पहल करते हुए आज जम्मू के अंदर जो है कल से ही जो है कवायद इनकी शुरू हो चुकी थी। आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्हें बुलाया गया था, और बायोमेट्रिक वगैरह हर एक चीज़ जो है इनकी दस्तावेज जो चेक किए जा रहे थे, और जिस तरह से कल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने बताने की कोशिश की थी, इसी के तहत जो है राजीव नगर में आज हम मौजूद हैं, और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और शुरुआती तौर पर जो हमने विजुअल्स दिखाए हैं, और किस तरह से वहाँ पर पुलिस बल डिप्लॉय कर दी गई है, और सारी इनकी दुकानें और इनके घर पर जो है पुलिस बल जो है इस वक्त तैनात है, और लगातार जो है इन पर नकेल कसी जा रही है। और लगातार अगर हम बात करें, कल बीती शाम होते होते 170 से 150 से लेकर तकरीबन 200 रोहिंग्यास को जो है गिरफ्तार कर जो है डिटेन हीरानगर जो सब सेंटर बनाया गया है वहां पर डिटेन कर ले जाया गया है, और देखने वाला समय होगा कि क्या उनको क्या अब देखने वाला समय होगा कि क्या कुछ निकल कर साझा होगा, वो भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। मगर लगातार हम बात कर रहे हैं रोहिंग्यास को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में जो है इल्लीगल तरीके के तहत जो है जम्मू कश्मीर में जो रह रहे थे, वहीं पर अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है और केंद्र सरकार ने जो है वो अब नकेल कसी है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, विजुअल्स भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बस्ती आप देख सकते हैं जो जिस तरह से जम्मू के अंदर जो है काफ़ी देर से जो है वो रह रहे थे, कल मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अंदर जो है कल इनको बुलाया गया, और वहाँ पर इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, वेरिफिकेशन की गई, बायोमेट्रिक किया गया, और अन्य दस्तावेज जो चेक किए गए। वहीं पर अगर हम आपको बताते चलें, उसी के तहत कल बीती शाम होते होते पुलिस और तमाम आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, और शाम को तमाम हैवी पुलिस बल वहाँ पर डिप्लॉय किया गया। उसी के बाद जो है 150 से 200 ऐसे रोहिंग्यास जो थे जो इल्लीगल जो है जम्मू में रह रहे थे, उन्हीं को सब हीरानगर डिस्ट्रिक्ट जेल में ले जाया गया। वहीं पर अब देखने वाला समय होगा कि आज जम्मू के अंदर किस तरह से सुबह से जो है वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है, उसी तरह से कल भी उनको बुलाया गया था, और आज भी जम्मू के अंदर मौलाना आज़ाद स्टेडियम में बुलाया गया है। अब देखने वाला समय होगा, और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जम्मू के अंदर ये थ्रेट बनते जा रहे थे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ जो दो रोहिंग्यास पकड़े थे वो मौलाना का भेस बदल के जो है जम्मू में रह रहे थे, वहीं पर जाली पासपोर्ट, उसके साथ साथ जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो शायद इस समय जो विजुअल्स देख रहे हैं, जो मेरी इस समय आवाज़ सुन रहे हैं, उन जम्मू के वासियों के पास अपना वोटर कार्ड तक नहीं होगा, मगर उस रोहिंग्यास के पास जो है वोटर कार्ड तक पाया गया, पासपोर्ट तक पाया गया, जाली पासपोर्ट तक पाया गया। मगर ये कहना कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ये थ्रेट बनते जा रहे थे, वहीं पर केंद्र सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया। अब देखने वाला समय होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से जो है जम्मू में ये बड़ी खुशखबरी जो है होंगी, उसको लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखने वाला समय होगा कि जम्मू में कितनी जल्दी जो है इनको यहां से ले जाया जाएगा और अपने वतन वापस छोड़ा जाएगा। वैसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JK247 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस है, मैं जेएमसी पे काम करता हूँ, सरकारी है मेरी भी, मेरी सरकारी काम करता हूँ, सफाई भी मैं ये चले सब करता हूँ। हमारी तरफ से आप लोग फिलहाल हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल घर पे सरकार ने कहा कि घर पे वेट करो, घर पे बैठो, कोई आगे से न्यूज नहीं आया, तब तक आप घर में शांति बनकर रहो। फिलहाल हम सरकार के पास सब लोग अपने अपने घर में हैं, फिलहाल देखते आगे क्या होते हैं। अभी कोई नोटिस नहीं आया आपको? नोटिस कोई भी नहीं आई, पहले नोटिस आना चाहते हैं, कोई सरकारी से कुछ नहीं आया। जिम्मेदार वाले हैं यहीं पे, सरकार है यहीं पे, निर्वाल जो शौक है वो इसे पुलिस वाला आके कोई ना कोई बात बोल के जाता था, हम सब लोग डरते नहीं थे। कोई कोई रास्ते से दो तीन बंदा सिंगल मिलते उठा के ले जाता है, उनको वहीं पे करता है। कोई कोई तो अपने दोस्त, मेरे दोस्त भी दो तीन अभी क्या शायद कौन से देश कौन से गाँव है पता नहीं, वहीं पर दो तीन बंदे भी अभी वहीं पर ले गए जेल में। मतलब पता नहीं सर क्या हो सकता है आगे, आपको कुछ नहीं बताया? पता ही नहीं है ना सर। फिलहाल हम तो सुबह 6-7 बजे निकल जाते हैं जेएमसी के लिए, वहीं से आते हैं 4-4:30 बजे, हमें कुछ पता ही नहीं होता। फिलहाल आज छुट्टी मार रहा हूँ क्योंकि देख रहे हैं हम भी, हमारा हालत भी और दुनिया का हालत।